हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास ओपन टारगेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अटेंडेंस शीट का सेकंड वीडियो। अटेंडेंस शीट के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि अटेंडेंस शीट के फॉर्मेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी फॉर्मेट के अंदर एक ही शीट के ऊपर अलग अलग मंथ्स का यानी 12 मंथ्स की अटेंडेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक सिंपल एडवांस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर आप इस फॉर्मूले को करते हैं तो आप स्मार्ट जरूर कराएंगे। फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस अटेंडेंस शीट की एक कॉपी बना लेनी, क्योंकि ये फॉर्मेट है हमारा अटेंडेंस शीट का। तो इस अटेंडेंस शीट का आपको फॉर्मेट बना लेना है 12 टाइम्स, क्योंकि हमारे 12 मंथ होते हैं तो मुझे 12 और कॉपीज़ निकालनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको पहले 2 कॉपीज़ निकाल के बता देता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मुझे अटेंडेंस शीट के बाद में चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अ कॉपी पर और ओके। तो देखेंगे अटेंडेंस शीट की सेम कॉपी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि अटेंडेंस शीट का मेरा फॉर्मेट है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और रीनेम करना है, ठीक है। इसे मैं दे दूंगा जनवरी, सॉरी, राइट क्लिक और शीट को रीनेम करेंगे, ठीक है। मैं इसे जनवरी नाम दे रहा हूँ। जनवरी देने के बाद यहाँ पर नवंबर लगा हुआ है, मैं इसे जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे जनवरी की डिटेल फिल करनी है यहाँ पर। तो जनवरी सेलेक्ट किया, और जनवरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पूरी जनवरी की डिटेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट ठीक है, आप भी इसी तरीके से जरूरी की पूरी डिटेल फिल कर लेंगी। तो आप जब इस जनवरी की डिटेल को इस तरीके से फिल करना, मैं इसे पूरे में कॉपी कर दे रहा हूँ। यहाँ संडे के दिन छुट्टी रहती है, इस वजह से मुझे संडे के दिन पी नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट। ठीक है, मैंने संडे के दिन वो जहाँ भी प्रेजेंट लिखा हुआ था संडे के दिन सारे प्रेजेंट को मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पर अपसेंट फिल कर देता हूँ, अपसेंट कुछ लीव, ठीक है। किसी दिन मान लेते हैं कुछ लोगों ने लीव ली है तो वो अपसेंट या लीव आप फिल कर देंगे पूरी शीट में, ओके। तो इस तरीके से मेरी जनवरी की शीट तैयार हो गई है, जिसमें मैंने मैनुअली अटेंडेंस को फिल कर दिया है। आप भी यहाँ पर मैनुअली फिल करेंगे। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करना है लास्ट तक, और इस रेंज का नाम दे देना है, ठीक है। मैं इस रेंज का नाम दे देता हूँ जनवरी। सॉरी, आज मेरी तबीयत खराब है, जनवरी। एंटर। सेकंड में हमें सिर्फ हेडिंग को सेलेक्ट करना है, लास्ट हेडिंग को आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और इस शॉर्ट में नाम दे देंगे जय, ओके। बस इतना करने के बाद आपको अटेंडेंस शीट में आना है। अटेंडेंस शीट में यहाँ पे नवंबर लगा हुआ है, फ्रेंड मुझे जनवरी का यहाँ पे डेटा चाहिए, तो यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं इक्वल वी लुकअप, ठीक है। इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद लुकअप वैल्यू, मुझे लुकअप वैल्यू देनी है जिस वैल्यू से मैं फाइंड करना चाहता हूँ अटेंडेंस को। देखिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, किसी से भी एम्प्लॉय का जो प्रेजेंट डेज है वो फाइंड कर सकते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट डेज। बट यहाँ पे डेजिग्नेशन सेम हो सकता है, दो या दो से अधिक एम्प्लॉयज़ का नेम सेम हो सकता है, बट आईडी जो है वो सेम नहीं होगी। तो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें एक बार F4 दबाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर सेल और कॉलम दोनों लॉक हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक बार और दबाना तो यहाँ
रोज लॉक हो जाएंगी, मुझे रो नहीं लॉक करना है, मुझे कॉलम लॉक करना है, तो एक बार और F4 प्रेस करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा ए के आगे डॉलर लग जाएगा, यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली डॉलर का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। आप इक्वल लिखेंगे, सॉरी कॉमा, कॉमा लिखेंगे, टेबल एरे, हमने वहाँ पर रेंज का नाम दे दिया, टेबल का नाम दे दिया, आपको सिर्फ यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखना है और उसी टेबल के नाम को यहाँ अंदर लिख देना है। लेकिन मैं यहाँ पर नाम नहीं ना लिख करके सेल रेफरेंस सेलेक्ट करूँगा, ताकि मैं यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस करूँ तो यहाँ पर ऑटो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। इस सेल को मैं लॉक कर दूंगा, F4 दबा कर लॉक करेंगे इस सेल को, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको मैच का फॉर्मूला यूज़ करना है, मैच ब्रैकेट को ओपन लगेंगे, लुकअप वैल्यू में हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, डेट में रो को लॉक करेंगे, ठीक है। आप 5 के आगे डॉलर लगाएंगे, इक्वल सॉरी कॉमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे में आपको फिर से अगेन इनडायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, इनडायरेक्ट, और यहाँ पर इस बार आपको यहाँ पे शॉर्ट में जैन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने हेडिंग देते समय शॉर्ट में जैन लिखा था, इसे सिलेक्ट करके इसे भी लॉक कर देना है। F4 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 लिखना है, 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, वंस अगेन 0 ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है, और एंटर बटन दबाएंगे। आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट आ गया है, इस फॉर्मूले को हम ऑल सीट्स पर कॉपी कर देंगे। ओके, जो भी हमारा ये फॉर्मेट था मैंने पूरे फॉर्मेट में कॉपी कर दिया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जनवरी का जो भी डेटा था वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेम डेटा यहाँ पर भी कॉपी हो गया। अगर मैं यहाँ पे किसी डेटा को चेंज करूँ, जैसे आज के दिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे आदित्य को एब्सेंट कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ शीट में आकर के यहाँ पर भी आदित्य एब्सेंट हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, संडे के दिन 0 आ रहा है, जबकि यहाँ हम जनवरी की शीट में हमारा संडे के दिन ब्लैंक सेल्स है, तो ये 0 ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला को हल्का सा एडिट करेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूला को एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे इफ फंक्शन यूज़ करेंगे, इफ ब्रैकेट के साथ ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला आउटपुट में आपको 0 दे रहा है, लास्ट टाइम आप इक्वल 0 लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, सेल को ब्लैंक कर देना है, डबल कोट्स रखेंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले का जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, अगर वो 0 आता है तो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इक्वल 0, तो आपको सेल को ब्लैंक कर देना है, सेल में कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर आउटपुट 0 नहीं आता है, तो आपको इसी फॉर्मूले को एक बार फिर से कॉपी कर देना है, ठीक है। कंट्रोल सी एक बार कॉपी करेंगे और लास्ट में पेस्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हैं और फॉर्मूला को दोबारा देख सकते हैं, और इसे क्या करेंगे, पूरी शीट पर इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स कि यहाँ संडे के दिन जो हमारा आ रहा था 0 0, वो अब नहीं आ रहा है, वो अब हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही आप फरवरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारी एरर दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि अभी मेरा जनवरी का डेटा मैंने केवल प्रिपेयर किया है, अभी फरवरी की सीट मैंने प्रिपेयर नहीं की है, इस वजह से एरर आ रही। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं अदर कोई मंथ लेता हूँ जिसका डेटा अभी तक मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, तो वहाँ पर ब्लैंक सेल आना चाहिए, ना कि एरर, एरर थोड़ा सा ऑड लगता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मूला और एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में ब्रैकेट सॉरी इक्वल के बाद आप लिखेंगे इफ एरर, ब्रैकेट को ओपन, और ओपन करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एक कॉमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि एरर नहीं आएगा, ब्लैंक सेल आएगा। मैं पूरी शीट पे इसे कॉपी कर रहा हूँ ओके, तो हमें पूरी सीट ब्लैंक दिखाई दे रही है। अगर हम कोई अदर मंथ सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी की पूरी सीट जो भी थी मेरी, वो पूरी सीट ब्लैंक दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं कोई भी मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, शीट बिल्कुल ब्लैंक है, वहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं जनवरी लूँगा, तो यहाँ पर जनवरी का डेटा हमें शो करेगा, ठीक है। अगर मुझे अब फरवरी का डेटा इसी तरीके से बनाना है, अदर मंथ्स का आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, सेम है। जैसे मैंने जनवरी की शीट को एक बार कॉपी कर लिया, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने अटेंडेंस शीट को कॉपी किया था, इस बार मैं जनवरी की शीट को कॉपी करूँगा। शीट पर आपको राइट क्लिक करना है और मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जनवरी के बाद चाहिए शीट, तो आप शीट 2 पर यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि जनवरी के बाद चाहिए आपको, जस्ट क्रिएट अ कॉपी और ओके, ठीक है। जैसे ही करेंगे यहाँ पर दिखेगा जनवरी 2 की सेम सीट यहाँ आ गई है,
अब इसका नाम बदल देंगे हम, इसका नाम रख देते हैं फेबररी। ठीक, फैब कर दिया शॉर्ट में, और यहाँ पर भी इसे फेबररी कर देंगे। मुझे फ्रेंड केवल फॉर्मेट चाहिए था, इस वजह से मैंने इसे कॉपी किया है, डेटा नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस डेटा को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैंने टोटल डेटा डिलीट कर दिया। अब इसमें आप प्रेजेंट्स को भर लेंगे, जिस तरीके से हमने जनवरी में भरा था उसी सेम तरीके से यहाँ पर भी फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, मैंने इस तरीके से पूरी शीट पर प्रेजेंट अब्सेंट्स का डेटा बना लिया है। अब आपको क्या करना है, इस शीट को सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी से पूरी रेंज एक तरीके से सेलेक्ट करेंगे जैसे हमने जनवरी में सेलेक्ट किया था। ठीक है, सेम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ फरवरी सेल रेंज दे देना है। ठीक है, फेब्रुअरी इस सेल रेंज का मैंने क्या किया, नाम दे दिया, जो भी हमारा डेटा रेंज है इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दिया फेब्रुअरी। ओके, अब मुझे हेडिंग को सेलेक्ट करना है, टॉप हेडिंग को आप सेलेक्ट करेंगे, लास्ट तक सेम जैसे हमने जनवरी में किया था, और इसको शॉर्ट में दे देंगे फैब। ठीक है, बस इतना ही करना है फ्रेंड्स, आप कुछ नहीं करना है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जनवरी का डेटा भी यहाँ ऐड हो चुका है, सॉरी जनवरी के साथ फरवरी का डेटा भी ऐड हो चुका है। जैसे मैं फरवरी पे क्लिक कर रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अदर मंथ्स का भी डेटा बना सकते हैं, केवल आपको मैनुअली फिल करना है और रेंज का नाम देना है, और यहाँ पर डेटा ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। सैलरी कैलकुलेशंस को अगली वीडियोस में सीखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।